राजस्थान में विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि इसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जिन मंत्रियों का जनसंपर्क, प्रशासनिक और साथी प्रभार के जिले में दौरे अच्छे होंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और साथ ही इसी श्रेणी में अच्छा काम करने वाले विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और साथ ही कई राज्य मंत्रियों को गहलोत कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पांडे ने कहा कि इस मामले में अभी चर्चाएं जारी है, ये कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि संगठन से फीडबैक लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और फीडबैक लेने का काम अभी भी लगातार जारी है। सर, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी और कब तक जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया है उनको उससे नवाजा जाएगा? देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये नियुक्तियां उन लोगों के प्रति की जाती है जहां पर जिन लोगों ने संगठन में और इवन जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसमें ईमानदारी से अच्छा काम किया है, एक तो उसके रूप में पुरस्कृत किया जाता है। दूसरा, काबिलियत जिस व्यक्ति में पार्टी के प्रति और साथ ही साथ प्रशासन में और उस क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है उन लोगों को भी मौका दिया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी हमारे प्रभारी सचिव महोदय हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, सभी से इस विषय में जो जो रिपोर्टें आई हुई हैं, जिन्होंने विधानसभा में अच्छा काम किया, लोकसभा में अच्छा काम किया और साथ ही साथ आज संगठन में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को समय समय पर जैसे जैसे निर्णय होगा, क्योंकि ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं होती है, ये जो है ये चलने वाली, कोई 2 महीने में होगी, कोई 4 महीने में होगी, कोई 6 महीने में होगी, लेकिन जब भी होगी उचित लोगों को सही रूप से पुरस्कृत करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये नियुक्तियां की जाती हैं, जो जैसे जैसे होगी वैसे वैसे निर्णय।